Welcome to Infant India's Education World. Hello students, my name is Farooq Azam and welcome to my channel. Today we'll discuss a new topic that is called periodic classification of elements, and in that we learn what is periodic table. तो बच्चों हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था मेंडलीज पीरियोडिक टेबल क्या था और व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल और उसके क्या डीमेरिट्स क्या थे और मेरिट्स क्या थे. उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों बना जब हमारे पास मेंडली पीरियोडिक टेबल था. तो बच्चों आपको मालूम होगा कि जो हमारा मेंडलीज पीरियोडिक टेबल था उसमें बहुत सारी डीमेरिट्स थी, यानी बहुत सारी लिमिटेशन थी. इसकी वजह से हमारा बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना. तो जैसे उन्होंने आपके जो मेंडलीव्स ने क्या किया था, मेंडलीव्स ने जो क्लासिफिकेशन किए थे उन्होंने बेस्ड ऑन एटॉमिक मास नंबर, उन्होंने एटॉमिक मास नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे. लेकिन एक्चुअल में जो उन्होंने एलिमेंट्स का एटॉमिक मास नंबर रखे थे बच्चों वो क्या था, वो उसका जस्ट सीरियल नंबर था. ठीक है, वो कोई उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड नहीं करती थी. तो बाद में इन 1930 साइंटिस्ट हेनरी मुजले 1913 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है हेनरी मुजले ने उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया. एक्सरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने उसको जो न्यूक्लियस था उसको उस पर एक्सरे ट्यूब को पास किया और उन्होंने ये बताया कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के पास होगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. उन्होंने क्या बताया बच्चों, जब उन्होंने एक्सरे हर एलिमेंट्स के न्यूक्लियस पे पास किए तो उसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज आए तो उन्होंने बताया उस एलिमेंट्स का वही एटॉमिक नंबर है. और अब बाद में उन्होंने एक और डेफिनेशन दिया कि जो आपका पीरियोडिक टेबल की जितने भी एलिमेंट्स है उसकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, नॉट एटॉमिक मास नंबर है. तो बच्चों ये आपने देखा होगा मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में मेंडलीज ने क्या बताया था कि जो आपका एटॉमिक जो एलिमेंट्स की क्लासीफाई किए गए तो वो बेस्ड ऑन था एटॉमिक मास नंबर है. लेकिन आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका जो है उसमें आपका जितने भी एलिमेंट्स है उसकी क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुई है, एटॉमिक मास नंबर के बेस पे हुई है. ठीक है, तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब बना बच्चों, 1913 में एक साइंटिस्ट हेनरी मुजले ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए. और उन्होंने क्या किया बच्चों, जो भी आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थे उन्होंने उसको ही रिवाइज किया, उसमें जो भी करेक्शन थे उन्होंने उसको थोड़ा चेंजेस किए. और बाद में उन्होंने क्या बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास नंबर. नहीं, आपके जो भी उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों आपके किसी भी एलिमेंट्स की वो किससे रिलेट करती है, उसके एटॉमिक नंबर से रिलेट करती है, यानी उससे मिलती जुलती है, नॉट एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर से नहीं मिलती जुलती है. ठीक है, तो ये बच्चों ये तो थोड़ा जनरल डिस्क्रिप्शन था हमारे व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है. ठीक है के बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है. तो बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक और नाम से जाना जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं सबको उसमें रखा गया है इसलिए उसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से भी जानते हैं. तो अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या 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 चीज़ें होती है, क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट से क्लासिफाई किसके बेस पे हुई. तो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होगा आपके एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हुई है एटॉमिक मास नंबर के बेस में. ठीक है, किसके बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे, सॉरी हाँ एटॉमिक नंबर के बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन हुई है. तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के बेस पे हुई. सेकेंड बच्चों इसमें क्या हुआ, जब हम लोग इसके एटॉमिक नंबर के बेस पे उसको क्लासिफाई किए तो जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो भी उसकी लिमिटेशन थी सब क्या होगी बच्चों, दूर हो गई. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो भी लिमिटेशन थी इस टेबल के जरिए वो सब दूर हो गई, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर को क्या बताया गया कि उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका था क्या था, नेक्स्ट पॉइंट वही था कि इसमें जितने भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जितने भी लिमिटेशन थी सब इसके जरिए दूर हो गई. ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको बच्चों क्या है कि जो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपको एलिमेंट्स रखा गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके एलिमेंट्स रखे गए हैं सब एटॉमिक नंबर से रिलेट करने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम हो गई. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एटॉमिक जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और किस तरह वो रखे गए हैं. ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब स्ट्रक्चर उसका कैसा है, किस तरह बनाया गया है, उसमें क्या क्या है. ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर. तो आपका
कुछ इस तरह मॉडर्न पीरियड टेबल देखेगा, ये इस तरह नहीं और भी बड़ा है, मैंने यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने छोटा बनाया। तो बच्चों वहाँ पे आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपके मॉडर्न पीरियड टेबल में कुछ इस तरह लाइन होगी, एक लाइन इस तरह जाएगी और एक लाइन ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। तो जो ऊपर से नीचे वाली लाइन है उसके हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन कहते हैं। और जो आपकी ये बेस लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और बेस लाइन से बच्चों आपको क्या बनता है, यहाँ देखो ये आपका एक बॉक्स बन गया, ठीक है, ये आपका ब्लॉक बन गया, चाहे इसको आप क्या बोलो, एक बॉक्स बन गया जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन रखा, तो इसके बाद आपका यहाँ पे हीलियम है, फिर यहाँ से आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, इस तरह आपका रखा गया, ठीक है। तो अब ये जो लाइन आपकी बनी है, इसमें आपकी जो वर्टिकल लाइन है और ये आपकी कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे आपका एक बॉक्स बनता है जो जिसमें हम लोग एक एक एलिमेंट्स रखे गए। तो आपके पीरियडिक टेबल में इस तरह बच्चों 118 बॉक्स है, 118 बॉक्सेस है, कितने बॉक्स हैं, 118 बॉक्सेस है जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स को रखा गया है, ठीक है। एक एक बॉक्स एक एलिमेंट्स के लिए है जिसमें हम लोग उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और उसका सिंबल, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन 1, उसका एटॉमिक नंबर नीचे होता है, एटॉमिक मास नंबर ऊपर होता है और बीच में उसका क्या होता है, सिंबल होता है। इसी तरह सारे एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास नंबर 7, इस तरह सारे ब्लॉक में एक एक एलिमेंट्स को रखा गया है और उसमें उसके सिंबल और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुप किसे कहते हैं और पीरियड्स किसे कहते हैं। तो वो ग्रुप्स किसे कहेंगे, जो हम लोग ऊपर से नीचे, जो वर्टिकल लाइन आपका यहाँ से नीचे आ रही है, लाइन जो आपकी ऊपर से नीचे आ रही है और जो आपका बॉक्स बन गया उसकी वजह से 1, 2, 3, 4, ये जो आपके ऊपर से नीचे जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे ग्रुप्स। तो इस तरह बच्चों आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में आपका ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक बॉक्स होंगे। कितने होंगे, कितने ग्रुप्स होंगे, ग्रुप 18, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने ग्रुप होंगे आपके, टोटल 18 ग्रुप्स आपके होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पीरियड्स कितना है, तो पीरियड्स आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका बॉक्स बना है, इस तरह हम लोग जाएंगे लेफ्ट टू राइट, कहाँ से बच्चों, लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे, यानी इस साइड से मैं आगे जा रहा हूँ तो उसे हम कहेंगे पीरियड्स। तो इस तरह आपके 7 पीरियड्स गिवन होंगे, 1, 2, 3, 4, इस तरह आपको 7 कितने पीरियड्स देंगे, आपको 7 पीरियड्स रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको एडिशनल 2 सीरीज होगी, जहां आपका ये 7 पीरियड कंप्लीट होगा उसके आगे आपके पास 2 पीरियड होगी, 2 और आप देखेंगे जिसमें उसमें पीरियड होंगे और ग्रुप्स होंगे, उसमें 2 सीरीज है। एक्चुअली क्या है, 2 सीरीज है, एक आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है, एक आपकी एक्टिनॉइड सीरीज है। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या समझना है कि पीरियड्स किसे कहते हैं और ग्रुप्स किसे कहते हैं। तो पीरियड्स की डेफिनेशन क्या है, पीरियड्स की डेफिनेशन, द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द पीरियडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स। तो बच्चों जो हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पीरियड्स हो जाएगा। और ग्रुप्स किसे कहेंगे, द वर्टिकल लाइन इन द पीरियडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स। जो आपका वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पीरियड्स कहते हैं। उसके अलावा आपका बॉक्स किस तरह बनता है, जब आपका वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे आपका एक एक बॉक्स बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे 2 सीरीज है, लेंथेनॉइड सीरीज है और एक्टिनॉइड सीरीज है, ये आपका एक कंप्लीट क्या है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। उसके अलावा उसमें जो जितने भी ग्रुप्स हैं उसका अलग अलग नाम है, जैसे आपका फर्स्ट वाला अल्कली मेटल है, सेकेंड आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसी तरह फिर आपको कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और आपको लास्ट में नोबल गैस जो आपका ग्रुप नंबर 18 है। इस तरह आपको अलग अलग आपके ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक मिनट बंद करो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप्स आपको 18 मिला, पीरियड्स कितने हैं, हमारे पास 7 पीरियड है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, वर्टिकल लाइन किसे कहते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पीरियड्स किसे कहते थे, या फिर हमारा ग्रुप्स किसे कहते थे उसकी डेफिनेशन देखे, और आपका बॉक्स किस तरह बन रहा था, उसके पास आपके पास 2 एडिशनल सीरीज थी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पीरियडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं। आपको मालूम होगा बच्चों 4 ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट आपका एस ब्लॉक, सेकेंड आपका है पी ब्लॉक, थर्ड आपका है डी ब्लॉक और फोर्थ आपका है एफ ब्लॉक। तो बच्चों अब इसमें है क्या, तो आपका जो फर्स्ट वाला है एस ब्लॉक है बच्चों, इसमें आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों, आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो आपका रहेगा उसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, उसका अलग से भी नाम है। फर्स्ट वाला आपका जो उसका नाम है अल्कली मेटल, अब जो आपका ग्रुप 2 उसका अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम है। उसके बाद आपका सेकंड है पी ब्लॉक एलिमेंट, तो बच्चों आपको राइट साइड में जो आपका ग्रुप नंबर 13 होगा, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, नहीं उसमें जितने सारे एलिमेंट्स होंगे सब आपके पी ब्लॉक में आएंगे। उसके बाद आपका बच्चों है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये आपका है ग्रुप नंबर 3, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ये आपका किस में आएगा, ग्रुप 13 टू ग्रुप सॉरी कंटिन्यू डी ब्लॉक आपका क्या बच्चों, नेक्स्ट आपका है डी ब्लॉक, इसमें आपका ग्रुप 3 टू
ग्रुप 12, ये आपका यहाँ पे 3 से 12 जो भी आएगा वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट आपका है व्हाट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चे जो आपकी एडिशनल दो सीरीज है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जो आपकी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है वो इसमें आती है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब ये आपका हो जाएगा लेंथेनॉइड और इसमें आपको क्या और क्या पढ़ना है एक्टिनॉइड सीरीज पढ़ना है। तो इसमें आपको समझ में आया कितने ब्लॉक है आपके पास, 4 ब्लॉक है, एक का नाम एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एक का नाम है पी ब्लॉक, एक का डी और एक एफ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो आएंगे वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, और ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे जिसमें आपको ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स सब आपके किस में आएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे। इसी तरह डी ब्लॉक में आपके ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 आपके किस में आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे। नेक्स्ट आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हम लोग ने दो सीरीज देखे थे जो आपके नीचे थे, आपके जो मॉडर्न पीरियड टेबल की जो नीचे थे लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, उसमें हमको क्या पढ़ना है वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स आएंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, जो भी आपके दोनों सीरीज है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ओके ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ग्रुप्स किसे कहते हैं। अभी तो हम लोग उसकी डेफिनेशन देखें, अब ग्रुप्स होता क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस तरह है या कैसी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप की डेफिनेशन लिख दिया, द वर्टिकल लाइन इन अ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप्स। ये आपके इस तरह वर्टिकल लाइन होते बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ग्रुप्स किसे कहते हैं। अभी तक हम लोग उसकी डेफिनेशन देखें, फिर हम लोग देखते हैं ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दिया ग्रुप्स किसे कहते हैं, दी वर्टिकल लाइन इन अ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप्स। तो मैंने यहाँ पे बच्चों ग्रुप्स की डेफिनेशन के साथ साथ मैंने वहाँ पे उसका टेबल भी बना दिया कि जो वर्टिकल लाइन आपकी पीरियोडिक टेबल में होते हैं उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने जा रहा हूँ ग्रुप वन और ग्रुप के टू, ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट्स के दरमियान। तो ग्रुप वन में एलिमेंट्स कुछ इस तरह हैं, हाइड्रोजन है आपके, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम। इसी तरह ग्रुप टू में आप लोग जाओगे तो आपको यहाँ पे बेरिलियम और इसी साथ मैग्नीशियम कट दो सर। तो नेक्स्ट हम लोग ग्रुप वन और ग्रुप टू में कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ग्रुप वन के एलिमेंट्स और ग्रुप टू के एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो ग्रुप वन और ग्रुप टू ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, आपको पता है ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। जो फर्स्ट वाला आपका है ये अल्कली मेटल है, फर्स्ट आपका ग्रुप वन जो है उसे हम अल्कली मेटल से भी, अल्कली मेटल के नाम से भी जानते हैं। और जो ग्रुप नंबर टू आपका, इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पे जो ग्रुप वन में आपके पास एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम। इसी तरह ग्रुप टू में आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम। इसका जो बेसिक डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस बच्चों क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो उसके वैलेंस में आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। से ग्रुप थ्री जो ग्रुप वन है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप में सब 1-1 आएंगे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1-1 आएंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। और जो आप ग्रुप टू देखे तो इसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2-2 आएंगे, इसलिए इसको ग्रुप वन में रखा गया, इसलिए उसको ग्रुप टू में रखा गया। यानी जितने भी एलिमेंट्स जो ग्रुप वन में रहेंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप टू में तो उसके 2 है। इसी तरह आप लोग 13 में जाओगे तो वह तभी आपको वापस से 3 मिलेंगे, 14 में जाएंगे आपको 4 मिलेंगे, 15 में जाएंगे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने किस तरह, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे पहले उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ओके, तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या हम लोग देखते हैं, व्हाट इज वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपके इलेक्ट्रॉन है, यानी एक जो आपका एटम है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगी वैलेंस सेल होंगे, मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और उसकी वैलेंसी उसी के ऊपर डिपेंड्स होती है। हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया लिथियम और बेरिलियम, ये ग्रुप वन का एलिमेंट्स है और ये ग्रुप टू का एलिमेंट्स है। ठीक है, अब देखते हैं एटॉमिक नंबर, आप देखते हो लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 होती है, तो उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखें तो किस तरह लिखा जाता है, 2.1 लिखा जाएगा, इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये आपका जो नेक्स्ट है बेरिलियम, इसकी अगर मैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो जाएगी 2.2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड सेल, ये आपका न्यूक्लियस है और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा,
क्योंकि इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों उसमें हम लोग उसकी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है सिर्फ दो होती है, और जो आपका सेकेंड सेल होता है उसमें हम लोग एट फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारे सेल में ये एक इलेक्ट्रॉन आया, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल होगा, क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन नहीं था कि एक और इलेक्ट्रॉन एक और सेल ऐड कर सके, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल जो होगा ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और ये उसका आउटर मोस्ट सेल हो गया। अब यहाँ पे कंपैरिजन करो, कंपेयर करेंगे ग्रुप वन और ग्रुप टू में कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पे हमको दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इसी तरह जो मैं यहाँ पे ग्रुप वन और ग्रुप टू की कंपैरिजन किया बच्चों, मैंने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप वन में उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होगी, इसी तरह जो आपका ग्रुप टू होगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ सोडियम, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ सोडियम, और इसी तरह ग्रुप टू का जो एलिमेंट्स है मैं यहाँ पे उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक नंबर 12 होता है और सोडियम का 11 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे एक और, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे सेल इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर जो सोडियम का है वो 11 है। ठीक है, क्या है 11 है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में आपके दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आपके सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और आपके पास अभी देखो कितने बच्चे 2, 8, 10, अभी यहाँ पे 11 है तो एक इलेक्ट्रॉन आपका और आएगा जो आपके थर्ड सेल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपका ग्रुप वन के इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे एलिमेंट्स होंगे उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो आउटर मोस्ट में जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैग्नीशियम है तो यहाँ पे एक और आपका सेल आएगा। ठीक है, इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 12 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब देखो यहाँ पे कितने बचे आपके पास, दो बचे, 1, 2। ठीक है, इस तरह मैग्नीशियम में, इसी तरह जो आपके जो ग्रुप टू में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी ग्रुप टू में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसकी वैलेंसी भी होगी। वैलेंसी और वैलेंसी का यूजेस क्या होता है बच्चों, वैलेंसी का यूजेस होता है नहीं एक एलिमेंट्स कितनी बॉन्ड बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स है सोडियम और हाइड्रोजन लिथियम, आप लोग देखो बच्चों वो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, कभी भी सोडियम जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स है वो कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि उनकी वैलेंसी वन है। और आप लोग कभी जो आपका ग्रुप टू है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था मैग्नीशियम, ठीक है, आप लोग मैग्नीशियम को देखो बच्चों वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनी हुई है, यहाँ पे दो OH मॉलिक्यूल है, एक इधर साइड रहेगा उस साइड वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगी। तो वैलेंसी का मतलब है कि वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी हमको ये बताता है कि आपका जो एलिमेंट्स है वो कितनी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल आपको सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर आज ओवर करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कार्बन दिया हुआ है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, इसकी आपको क्या निकालना है, वैलेंसी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और आपका जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, और आपका जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होगा 7। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया बच्चों, इसका आपको वैलेंसी निकालना है या इसके पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपको बताना है। अब कार्बन 6 होता है, अगर आप लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 4। इसी तरह जो आपका ऑक्सीजन है ये हो जाएगा 2, 6, और जब आपका नाइट्रोजन है ये हो जाएगा 2, 5। ठीक है, अब देखो बच्चों ये आपका 4 है, ये आपकी क्या है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे 4 आया, ये आपका क्या है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह जो आपका यहाँ पे 6 है ऑक्सीजन में, ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नाइट्रोजन के जो 5 है ये भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे ये एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है या नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है? नहीं बच्चों, वैलेंसी अब किसके ऊपर डिपेंड्स होती है बच्चों, जो आपका ग्रुप नंबर 18 है नोबल गैस, ठीक है, जो आपका ग्रुप नंबर 18 है नोबल गैस जिसमें आपके पास हीलियम है, ठीक है, हाँ जिसमें आपके पास हीलियम है, ग्रुप नंबर 18 पे डिपेंड्स होती है, जिसमें आपके पास हीलियम है और आपके पास नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इस तरह इसमें एलिमेंट्स है जो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, नहीं उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। जैसे यहाँ पे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका फर्स्ट वाला जो शेल है पूरी तरह से कम्प्लीट फिल है, सेकेंड 10 है तो इसका सेकेंड आउटर मोस्ट पूरी तरह से फिल है, फर्स्ट वाला भी फिल है, सेकेंड वाला भी फिल है। उसके बाद आपका आर्गन है 18 है तो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सेल पूरी तरह से कम्प्लीटली फिल होते हैं, इसलिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं पूरे बहुत ही स्टेबल होते हैं, या ना किसी को एलिमेंट्स देते हैं ना ही किसी से एलिमेंट्स लेते हैं। अब देखो बच्चों जो आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है,
कार्बन आपका जो है बच्चों ये ग्रुप नंबर कितने में आता है, कार्बन आपका ग्रुप नंबर, ओके बच्चों तो अब देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आते हैं। तो कार्बन का ग्रुप नंबर कितना है बच्चों 14 है और ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 16। इसी तरह आपका जो नाइट्रोजन है उसका ग्रुप नंबर है 15। अब हम लोग किससे कंपेरिजन करेंगे, हमारा ग्रुप नंबर 18 से। ये तो उसके जो ही है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, नहीं यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 6 है इसमें 5। लेकिन आपका जो ग्रुप 18 है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे उसके इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करेंगे तो बच्चों आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे 3 वैलेंसी आ रही। किसकी वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। इसलिए आपका जो नाइट्रोजन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सेकंड आपका ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी देखो 6 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और इसकी वैलेंसी कितनी बच्चों, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, कितने होंगे माइनस 8 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। इसके मतलब ऑक्सीजन के जो ग्रुप नंबर 16 है या ऑक्सीजन जितने भी एलिमेंट्स है सब कितने बॉन्ड बना सकते हैं, ओनली 2 बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में पाया जाता है, नहीं हाँ डबल फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद आपका लास्ट है कार्बन, ये आपके ग्रुप नंबर 14 में पाया जाता है, 14 माइनस, ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 4 है, 4 माइनस 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसलिए आप लोग देखते बच्चों कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया मीथेन का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक आपका कार्बन 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। तो बच्चों वैलेंसी आपको क्या बताती है, वैलेंसी आपको बताती है कि कौन सा एलिमेंट्स कितनी बॉन्ड बनाता है, ओके। तो बच्चों इसके आगे जो भी हम लोग देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक बार बंद करो। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको इसके आगे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 2 था, अब फिर इसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 3, फिर लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स जो भी होंगे, ठीक है। तब तक बच्चों बाय, टेक केयर। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोग इस ग्रुप, ओके बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।